नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त उमेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों जैसा कि वादा किया था और हमेशा जो भी बोला है वो सच बोला है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो बोला वही हुआ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की, मतलब RSM SSB जो कि आपकी LDC भर्ती का आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मैंने पहले भी कम से कम 5 से 6 वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें मैंने आपको ऑथेंटिक न्यूज दी थी कि दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, आपको तैयारी किस बेस पे करनी है। लेकिन काफी वीडियो जागा कि आप कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा या फिर कब डेट आगे बढ़ सकती है कब नहीं बढ़ सकती। मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप पीछे वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं कि दोस्तों ये जो इस वैकेंसी में आंसु की रिजल्ट इससे रिलेटेड क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, आप लोग बाद में शायद उस पर ध्यान नहीं देते, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कोई भी बात करनी हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा FB का, Facebook का और Instagram का लिंक दिया है, अब वहां आकर के कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दूंगा। यहां पे रिप्लाई नहीं कर पाऊं तो आप परेशान ना हो और बुरा ना माने। दोस्तों बात कर रहा हूं मैं अधीन सेवा चयन बोर्ड, जो कि सरकार चेंज हो चुकी है, लोगों के मन में एक आशंका जताई जा रही थी कि नई सरकार आएगी हैंड टू हैंड जैसे इलेक्शन होंगे, जैसे कि मैंने भी बोला था इलेक्शन होने के बाद में रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात थी और जो मैंने पहले क्लियरली कही थी कि दोस्तों रिजल्ट आने से पहले, जो मैंने लाइव भी किया था उसमें भी बोला था, रिजल्ट आने से पहले उसकी अपडेटेड आंसू की जरूर आएगी। जैसे कि मैं बात करूं LDC RSM में अपडेटेड आंसर की, इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था कि आपको काफी लोगों ने, जैसे कि बोर्ड ने बताया है या बोर्ड की तरफ से जो कुछ अपडेट्स हैं उनमें बताया गया कि आप लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। पता नहीं बाकी यूट्यूब चैनल पे आपको क्या बताया जा रहा है मुझे नहीं पता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये बताया गया था कि आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। आपको सबको पता है कि ये फेक न्यूज है या फैक्ट्स हैं, आप खुद इस चीज का आप एनालिसिस कर लीजिएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूं उन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, अगर आपसे कोई बात पूछता है और आपको वो तर्क देता है उस चीज पे कि यार आपको ऐसे करना चाहिए, अगर आपको कुछ करना ही नहीं था तो आप उनसे बात क्यों सुन रहे हो, आप उनसे तर्क क्यों मांग रहे हो, आप उनसे ऑब्जेक्शन क्यों मांग रहे हो, तो ये चीज बोर्ड कर रहा है, गलत थोड़ी कर रहा है। आप लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे, ठीक है, आप लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे तो ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखा जाएगा, उन ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर के आपने किन क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया है कम से कम उनको चेक तो किया जाना चाहिए ना। डायरेक्टली आप लोग तो बोल दिया कि जो वहां पे, चलो एक ये बात उठ रही है कि इसका रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि काफी बेरोजगार लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बात और सही है ना कि रिजल्ट तो आना चाहिए लेकिन अपडेट होके आना चाहिए जिन लोगों के बेचारों के एक एक नंबर से जो रह रहे थे, अगर वो नंबर वो क्वेश्चन डिलीट होता है तो उनको भी फायदा होगा ना, क्योंकि वैकेंसी अगर 11,000 भी आप मान के चलते हो, 11,200 समथिंग, तो भी 33,000 लोगों को पास किया जाएगा, तो जो लोग एक नंबर से दो नंबर से रह रहे हैं तो उन्होंने किसी का बुरा किया था कि जो कि उनकी गलती है ही नहीं, उनकी गलती नहीं। अगर बोर्ड की गलती है जो क्वेश्चन गलत था या क्वेश्चन में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो बात उठी थी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए तो वो होना चाहिए ना, अगर अपन रिजल्ट की जल्दी कर रहे हैं तो वो तो बोर्ड को क्या लगेगा, ये थोड़ी अपन ने क्लिक किया और उन्होंने उधर से बोर्ड जारी किया। जहां तक ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी कॉपी जांच हो चुकी है, कॉपी जांच हो चुकी है कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी जांच हो चुकी तभी तो पता चला ना बोर्ड ने कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन राइट किए थे और कितने गलत किए थे, किस क्वेश्चन में जाकर के प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही मैं बता दूंगा कि आपकी कॉपी बिना देखे कितने लोगों ने, इतने स्टूडेंट्स ने ये जो क्वेश्चन किए थे इतने राइट थे और इतने रॉन्ग थे। मान लीजिए जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो किस बेस पे डिलीट किया जा रहा है, जैसे अभी SI की आंसर की आई है, अपडेटेड आंसर की आई है ना, डायरेक्ट रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा, अपडेटेड आई है जिससे आपको भी सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। कल को आप बोर्ड पे वैसे उंगली उठाओगे कि अगर आपने ऑब्जेक्शन मांगे थे तो ऑब्जेक्शन का आपने जवाब क्यों नहीं दिया, ऑब्जेक्शन का आपने क्या सॉल्यूशन दिया। तो दोस्तों बोर्ड अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं सही कर रहा है। दूसरी बात, अगर अब आपको पता है कि जैसे मेरे काफी भाई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वहां बोर्ड को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फायदा ये भी होगा कि उसके बाद में जैसे बोर्ड ने ये बताया गया है कि वो अपडेटेड आंसर की जारी करेगा, अपडेटेड आंसर की जारी करते फिर आप ये वेट कीजिए कि उसके बाद में 10 से 15 दिन, लास्ट 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक और मौका हो रहा है, जैसे आपके अपडेटेड आंसर की आती है उसके बाद में अगर फिर भी आपने अगर टाइपिंग स्टार्ट नहीं की थी तो अब टाइपिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब अगर आपने ये इसमें ढिलाई बरती ना तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। मैं फिर से बता दूं, पहले के वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है और मैंने आपको सचेत किया है कि दोस्तों अगर आप
चाहे किसी से भी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 40% से अबाउ जा रहे, 40% में मिनिमम आ रहे, तो आप टाइपिंग तो एक बार रखिए। और दूसरे जो एसटी एससी वाले हैं, 35% आपकी मिनिमम बन रहे दोनों पेपर्स में, जो पर्टिकुलर एक में 35 और एक में 35, ऐसे करके दोनों में अगर आप पास हो रहे हैं, बाद में कट ऑफ की तो बाद में देखी जाएगी, एक बार आप टाइपिंग तो रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए राजस्थान पुलिस की तरह, जो मैंने पहले भी बताया, उसमें जैसे कुछ हुआ था एकदम से, कुछ जो कुछ भागों के नंबर नहीं आए थे, जैसे सीकर की बात मैंने पहले भी की थी लाइव में भी, कि सीकर के लोगों को बाद में दो नंबर वालों को भी बुलाया गया था, कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए तो बाद में पछताओगे, शायद मैं टाइपिंग कर लेता। अभी का एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, मेरे एक दोस्त था, 2008 में किसी वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ था, 2008 का फॉर्म भरा हुआ था, बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आर्मी से एलडीसी की वैकेंसी आई थी 2008 में, उन्होंने फॉर्म लगाया था 2008 के बाद में, उन्हें जब पता चला कि 2018 में जाकर के 10 साल बाद में, जो कि भूल चुके थे उस चीज को, 2018 में उनका एडमिट कार्ड आया कि आपका कल एलडीसी का टाइपिंग है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वहां जाते जब उन्हें पता चला तो एकदम से चौंक गया ना आदमी, कि अगर छिकी हुई होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आज 10 साल बाद में किस्मत जगी थी और किस्मत ने आगे दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जैसे वहां पे पहुंचा तो पता चला कि वहां पे, जैसे गया तो वहां पता चला कि वहां पे टाइपिंग हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ हैंड टू हैंड उनको वो चीज़ वैकेंसी है, वो उनको प्रोवाइड, मतलब जो जॉब है वो हैंड टू हैंड उनको, आर्मी में इसी तरीके से होता है, क्योंकि हैंड टू हैंड 10 साल की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई थी, उनको जाकर के एग्जाम पहले हो चुकी थी लेकिन ऑफलाइन जो थे उसका रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने हैंड टू हैंड बुलाया। अगर वो सोचो उस इंसान पे क्या बीती होगी कि हाथ से सब कुछ छोड़ करके आया, अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखी हो। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा, मेरी बातों को अदरवाइज ना लेकर के सही वे में लीजिए, और अपने करियर को अगर आप डावाडोल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार चुटकियों का काम है मैं कर लूंगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, रिजल्ट आएगा कहीं नहीं जाएगा। अगर नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड रिजल्ट क्यों नहीं जारी करेगा, इसमें गवर्नमेंट चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, कहीं पे भी कोई भी चीज़ों पर आचार संहिता थी वो हट चुकी है, उनके नियम कायदे हैं वो अपनाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन लगे हैं तो ऑब्जेक्शन को चेक करना अपने लिए अच्छा है, बोर्ड के लिए नहीं, अपने लिए अच्छा है। जो भाई लोग एक दो नंबर से रह रहे थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, उनके साथ अच्छा होता है, ऑब्जेक्शन की वजह से सबके साथ अच्छा हो तो ये गलत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तैयारी को रखिए, उस तैयारी को आप नॉर्मल मत छोड़िए। तभी बोला था, जो बोला था वही हुआ, और अब भी बोल रहा हूँ कि जो बोला था वही होगा, भगवान नहीं हूं लेकिन एक आशंका जता रहा हूं, इसलिए कहीं बाद में ना पछताऊं कि यार आपने बोला था सर कि हम काश तैयारी कर लेते ना तो आज कहीं ना कहीं लग जाते। ये चीज फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ हो रही है, आप एक बार अपनी तैयारी रखिए दोस्तों, जो होगा वो बाद में, जो फैसला है शायद आज फैसला आने की बात थी, जो भी होगा वो अच्छी बात है। दोस्तों मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इतना ही बोलूंगा कि आपकी जो पहले है वो अपडेटेड आंसर की आएगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। आपको अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अभी भी अगर तैयारी नहीं कर रहे थे तो अपने आंसर कीज को मैच करके फिर से आप जो लोग रुके हुए थे जिनके आंसर की में एक दो नंबर से रह रहे थे, वो उन प्यारे दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर के वापस अपने आंसर की आप मैच कर लीजिएगा। वो मैच करने के बाद आप तैयारी में लग जाएगा दोस्तों। अगर कुछ अच्छा होता है, जो एक दो नंबर से जो सपने टूट रहे थे, अगर उन सपनों में फिर से एक रंग भरता ना, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इन्हीं सपनों में रंग भरने के लिए अगर आपके साथ कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके साथ ये न्यूज नहीं है, तो दोस्तों प्लीज कोई गुमराह ना हो तो उनके साथ ये न्यूज जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शर्मा के साथ यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा, बने रहिएगा। मैं ऐसी अपडेट आपके साथ, देखिए दोस्तों जो न्यूज होती है, मैं ये नहीं कि जो भी न्यूज आती है मैं आपको हैंड टू हैंड बनाकर किसी व्यूज के लिए रख दूं, मैं जब तक मेरी तरफ से सेटिस्फाई नहीं होता हूं, चाहे दो दिन बाद में आप, ये भी होता है कि सर ये न्यूज तो हमारे पास, कोई न्यूज कोई भी वीडियोज के लिए बता दूं कि ये न्यूज तो हमारे पास पहले आ चुकी थी, लेकिन वो ऑथेंटिक होती या नहीं होती पहले मैं अपने स्तर पे उसको चेक करके ही आप तक प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों में शर्मा के साथ, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा और हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।